दोस्तों, एक एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा लिया जा सकता है फूल गोभी की अगेती खेती करके। पूरा बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज को आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि कितना तो आपका इसमें खर्चा होने वाला है। टोटल खर्चे पे बात करेंगे, यानी कि बीज आपका कितना लगेगा, कितना आपका बीज पे खर्चा होने वाला है, जमीन की तैयारियों पे होने वाले खर्चे पे भी बात करेंगे, खाद उर्वरक और बेसल डोज आपका कितना खर्चा होने वाला है, और साथ ही फर्टिगेशन और स्प्रे पे होने वाले टोटल खर्चे पे भी हम बात करेंगे। साथ ही फूल गोभी की खेती से 1 एकड़ में आपका कितना उत्पादन निकल के आएगा और किस तरह से 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको 1 एकड़ में फूलगोभी की खेती से मिल सकता है। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, बारिश के दिनों में फूलगोभी की अगेती खेती अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपको काफी शानदार तो इससे उत्पादन मिल जाता है और मार्केट रेट भी इसके काफी शानदार मिल जाते हैं, बशर्ते कि आपने सही वैरायटियों का चयन जो है सही समय पे किया हो। इसमें सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं आपके खाद उर्वरक और दूसरा वैरायटियों का सही समय पे सही वैरायटियों का चयन करना। अगर आप सही समय पे सही वैरायटियों का चयन कर लेते हैं तो यकीनन आपको काफी शानदार उत्पादन मिल जाता है। और बारिश के दिनों में यानी कि जून और जुलाई में अगर आप अगेती फूलगोभी लगा लेते हैं तो मार्केट रेट भी आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप सही समय पे सही वैरायटियों का चयन कर लेंगे तो यकीनन आपको काफी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती में 1 एकड़ में होने वाले टोटल खर्चे के बारे में। तो भाई, सबसे पहले बात करेंगे बीज के ऊपर होने वाला जो खर्चा है वो हमारा 1 एकड़ में कितना होने वाला है, 1 एकड़ में कितना हमारा बीज लग सकता है और टोटल खर्चा बीज पे कितना हो सकता है। तो भाई, अगर आप 1 एकड़ में फूलगोभी लगा रहे हो और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से बेड बनाकर अगर आप फूलगोभी लगा रहे हो तो 1 एकड़ में वैसे तो आपके 8 पैकेट यानी 80 ग्राम बीज जो होता है वो आपको काफी होता है। 1 एकड़ में 80 ग्राम बीज यानी 8 पैकेट आपके जो है उनसे काम चल जाता है। लेकिन अगर आप बारिश के दिनों में नर्सरी तैयार कर रहे हो तो इसमें जो है आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब भी हो जाते हैं, तो यहां पर आपको 2 पैकेट और एक्स्ट्रा लेने हैं, यानी कि कम से कम 10 पैकेट की नर्सरी आपको डालनी पड़ेगी, यानी कि 100 ग्राम बीज जो है आपको डालना पड़ेगा, तब जाके 1 एकड़ में जो है आपके सही प्लांट आएंगे। यानी कि 1 एकड़ में लगभग आपके 15 से 16 हजार प्लांट आ जाते हैं और 10 पैकेट अगर आप लेते हैं तो 3-4 हजार, मैं ये मानता हूं कि बारिश के दिनों में अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 3-4 हजार प्लांट हमारे खराब हो ही जाते हैं। कुछ तो नर्सरी की क्यारी में खराब हो जाते हैं, उसके बाद में प्लांटेशन में भी खराब हो जाते हैं, और कुछ प्लांट जो हैं वो काफ़ी वीक रह जाते हैं, उनको हटाना भी पड़ता है, यानी कि प्लांटेशन के समय उनको छोड़ना पड़ता है। इस तरह से मतलब 2-2.5 या 3-4 हजार जो हमारे प्लांट होते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बारिश के दिनों में अगर आप नर्सरी डाल रहे हो तो मैं मानता हूँ कि लगभग आपका 100 ग्राम बीज आप लेके चलें और 100 ग्राम बीज का हमारा जो खर्चा होगा वो लगभग 5 हजार रुपये का हमारा बीज का खर्चा हो जाता है। 1 एकड़ में बारिश के दिनों में अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हो तो लगभग आपका बीज जो है उस पे होने वाला जो खर्चा है वो 5000 रुपए का होगा। उसके बाद में पछेती खेती अगर हम करते हैं फूलगोभी की तो इसमें बीज का खर्चा थोड़ा डाउन आ जाता है, क्योंकि पछेती वैरायटीयां जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, बीज तो आपका थोड़ा और कम लगेगा, क्योंकि उसके बाद में सितंबर, जैसे आप सितंबर में नर्सरी डाल रहे हो तो बारिश काफी कम हो जाती है, उस समय आपका बीज जो है थोड़ा और कम लगेगा और उस समय पर लगाई जाने वाली वैरायटियों की कीमत भी थोड़ी मार्केट प्राइस जो होती है वैरायटियों की वो थोड़ी कम होती है। इस वजह से अगर आप अगेती खेती कर रहे हो तो उस पे बीज का जो खर्चा है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। तो 1 एकड़ में अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हो और अगेती खेती कर रहे हो तो आपका टोटल जो खर्चा है वो होगा 5000 रुपए का। तो ये तो हो गया आपका बीज का खर्चा। अब बात करेंगे जमीन की तैयारियों पर होने वाले खर्चे के बारे में। भाई, जमीन की तैयारियों में सिर्फ मैं यहां पर ट्रैक्टर का खर्चा जोड़ रहा हूं, उसके बाद में बेसल डोज पे होने वाले खर्चे पे बाद में बात करेंगे। तो ट्रैक्टर पे होने वाला जो खर्चा है वो आपका लगभग 3000 रुपए का, मैं यहां पर आपका ट्रैक्टर का खर्चा जोड़ रहा हूं 1 एकड़ का। ज्यादा से ज्यादा खर्चा मैं यहां पे लेके चल रहा हूं, जैसे मैंने आपको बता दिया बीज पे होने वाला जो खर्चा है 8 पैकेट 1 एकड़ में लगते हैं, मैंने यहां पर 10 पैकेट लेके चला हूं। 1 एकड़ में ट्रैक्टर का जो खर्चा है वो यहां पर मैंने आपको 3000 रुपए बता दिया है, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं ट्रैक्टर खुद ट्रैक्टर रखता हूं और खुद ट्रैक्टर से काम
वगैरह करता हूं तो मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि ट्रैक्टर पे एक एकड़ पे होने वाला जो खर्चा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने 3,000 रुपए यहां पे बता दिया है। खर्चा जो है वो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, उत्पादन और मंडी भाव जो है वो हम कम लेके चलेंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि भाई 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा हमारा निकल के आता है या नहीं आता है। तो 5 से 3 8,000 रुपए का अभी तक हमारा जमीन की तैयारियों तक खर्चा हो चुका है, बीज का खर्चा ले लिया और जमीन की तैयारियों का खर्चा ले लिया। अब बात करेंगे बेसल डोज पे होने वाले खर्चे के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गोबर की खाद पे होने वाले खर्चे के बारे में। तो भाई गोबर की खाद पे होने वाला जो खर्चा है वो यहां पर मैंने लिया है 10,000 रुपए, यानी कि 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बताई है। तो एक एकड़ में अगर 5 या 6 ट्राली का खर्चा जोड़े तो मैक्सिमम जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया है 10,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए एक ट्राली का खर्चा मैंने यहां पर जोड़ दिया है। बाकी अलग अलग एरिया में गोबर की खाद की जो रेट है वो अलग अलग है। कुछ एरिया में 500 रुपए में ट्राली मिल जाती है, कुछ एरिया में 1,000 रुपए में ट्राली मिलती है, कुछ एरिया में 1,500 रुपए में भी ट्राली मिल जाती है गोबर की खाद की। लेकिन बहुत कम एरिया ऐसे हैं जहां पे गोबर की खाद की जो रेट है वो 2,000 रुपए ट्राली मिलती है। तो मैंने मैक्सिमम जो खर्चा है वो यहां पर ले लिया है 10,000 रुपए एक एकड़ में आपकी गोबर की खाद का खर्चा होने वाला है। 18,000 रुपए का खर्चा अब तक हमारा हो चुका है। अब बात करेंगे रासायनिक खाद उर्वरक जो आप डालोगे बेसल डोज के तौर पर उस पर होने वाले खर्चे के बारे में। तो एक एकड़ में आपका डीएपी का खर्चा यहां पर मैंने ऐड किया है, म्यूरेट ऑफ पोटास का खर्चा यहां पर ऐड किया है, और यूरिया जो खर्चा है वो यहां पर मैंने ऐड किया है 2,000 रुपए एक एकड़ में। आपके रासायनिक बेसल डोज जो है वो मैक्सिमम 2,000 रुपए तक लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। तो मैक्सिमम खर्चा यहां पर मैंने रासायनिक खाद और उर्वरक का ले लिया है 2,000 रुपए, और इसके बाद में बात करेंगे अगले खर्चे पे। और अगला जो खर्चा है हमारा वो है फर्टिगेशन का खर्चा, यानी कि प्लांटेशन के बाद में जितने भी फूल गोभी की खेती में फर्टिगेशन होते हैं उनके सारे फर्टिगेशन का जो खर्चा है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। एनपीके खादों के जितने भी आपको फर्टिगेशन करते हैं वो खर्चा यहाँ पर मैंने ऐड किया है। बाकी अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर आप डाल रहे हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। मैक्सिमम फर्टिगेशन जो है आपके वो होने वाले हैं यहाँ पर 5,000 रुपए। अगर आप एक एकड़ में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, इतने अच्छे खाद उर्वरक आपने गोबर की खाद इतनी मात्रा में डाल दी है, रासायनिक खाद उर्वरक यहाँ पर हमने डाल दिया है बेसल डोज के तौर पर, तो उसके बाद में फर्टिगेशन जो है हमारे 5,000 रुपए के काफ़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैंने आपको बताया है 5,000 रुपए हमारा फर्टिगेशन का खर्चा। और इसके बाद में बात करेंगे आखिरी खर्चा, और वो होगा स्प्रे पे होने वाला खर्चा। तो टोटल फूलगोभी की खेती में एक एकड़ में टोटल जो हमारा खर्चा होगा स्प्रे पर वो होगा, वो भी मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए ऐड किए हैं। बाकी स्प्रे पे होने वाले जो खर्चा है वो मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। बाकी फूलगोभी की खेती में मतलब इतने ज़्यादा रोग वगैरह नहीं आते हैं, काफ़ी है 2-3 स्प्रे अगर आप कर देंगे तो वो काफ़ी है मतलब, और अन्य कोई इतने ज़्यादा रोग वगैरह नहीं आते हैं, ना ही इतने ज़्यादा हमें जो है स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं। फिर भी यहाँ पर मैंने 5,000 रुपए का खर्चा ले लिया है, यानी कि मैक्सिमम खर्चा जो है स्प्रे पे होने वाला वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इस तरह से टोटल जो हमारा फूलगोभी की खेती में एक एकड़ में होने वाला जो खर्चा है वो यहाँ पर मैंने लिया है 30,000 रुपए। अलग अलग मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से होने वाला है। टोटल एक एकड़ में अगर आप फूलगोभी की खेती करते हैं और अगेती खेती करते हैं तो यहां पर आपका जो खर्चा होगा वो होगा 30,000 रुपए। भाई अगर आप अगेती खेती करें या पछेती खेती करें खर्चा सेम होगा बीज को छोड़कर। अगर आप पछेती खेती करेंगे तो थोड़ा सा आपका बीज का खर्चा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी जो खर्चे हैं वो सेम रहने वाले हैं। तो फूलगोभी की खेती आप चाहे अगेती करें या पछेती करें, आपका फूलगोभी की फसल पे होने वाला टोटल जो खर्चा होगा वो होगा 30,000 रुपए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। दोस्तों अब बात करेंगे कि फूलगोभी से एक एकड़ में हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि एक एकड़ में हमारे टोटल जो प्लांट है वो कितने लगने वाले हैं, यानी फूलगोभी के कितने प्लांट एक एकड़ में लगने वाले हैं और कितना उनसे उत्पादन हमें निकलने वाला है। उत्पादन निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे टोटल प्लांट कितने हैं। तो एक एकड़ में फूलगोभी के अगर आप बेड बनाकर 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाकर और उसके बाद में फूलगोभी की खेती कर रहे हो तो 15 से लेकर 16,000 के बीच में आपके जो हैं फूलगोभी के प्लांट आने वाले हैं। 16,000 मैक्सिमम प्लांट आपके आएंगे, और कम से कम लेके चले तो 15,000। लेकिन अगर आप जिगजैग प्लांट लगा रहे हो और 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के खेती कर रहे हो तो लगभग 16,000 प्लांट आपके एक एकड़ में आ जाते हैं।
अब बात करेंगे 16,000 प्लांट से आने वाला उत्पादन, आसानी से उत्पादन निकल जाएगा क्योंकि फूलगोभी के एक प्लांट से एक फूल निकलता है, एक प्लांट एक बार ही उत्पादन देता है, तो आसानी से कैलकुलेशन निकल सकता है कि इससे टोटल उत्पादन जो है वो हमारा कितना निकलने वाला है। तो भाई अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती कर रहे हो तो आपका उत्पादन थोड़ा सा डाउन रहने वाला है, और अगर आप फूलगोभी की पछेती खेती कर रहे हो तो उत्पादन आपका थोड़ा सा ज़्यादा निकलने वाला है। हालांकि अगर आप अगेती खेती कर रहे हो तो आपका उत्पादन डाउन जरूर रहेगा लेकिन मार्केट रेट आपको ज्यादा मिल जाएंगे, और अगर आप पछेती खेती कर रहे हो तो उत्पादन भले ही आपका ज्यादा निकल के आ जाए लेकिन मार्केट रेट उस समय काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों फूलगोभी की अगेती खेती कर रहे हैं तो मैक्सिमम फूल की जो साइज है वो 700-800 ग्राम तक आती है। कंपनी वाले 700-800 ग्राम बता रहे हैं, जो वैरायटियां दे रहे हैं कंपनी वाले अपनी वैरायटी के जो फूल का वजन है वो 700 से लेकर 800 ग्राम तक बता रहे हैं, या 500 से लेकर 600-700 ग्राम तक बताते हैं। आप 500 ग्राम फूल का वजन लेके चलिए अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं, और पछेती खेती कर रहे हैं तो आपको जो है इसमें फूल का वजन जो है वैसे तो 1.5 से लेकर 2 kg तक का आपको फूल मिल जाता है अगर आप पछेती खेती कर रहे हो, लेकिन भाई 2 kg तक का अगर आप उत्पादन ले रहे हो तो आपको मार्केट रेट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हालांकि आपका फूल मार्केट में बिकेगा ही नहीं क्योंकि 1 kg से ऊपर का जो फूल होता है उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहती। आसान भाषा में अगर आप समझें तो रिटेल में जो खरीदने वाले जो कस्टमर हैं बड़ी साइज का जो फूल होते हैं उसकी डिमांड वो काफी कम रखते हैं क्योंकि बड़ा फूल बिकने में नहीं आता है। सपोज कीजिए कि आपकी फूलगोभी के फूल का जो वजन है वो 2 kg तक है, लेकिन मार्केट में जब आप उसको लेकर जाएंगे तो रिटेल में बेचने वाला खरीदने से पहले 100 बार उसको सोचेगा क्योंकि रिटेल में खरीदने वाला उसको बेच नहीं पाएगा आसानी से। कि खरीदने वाले जो कस्टमर है वो बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं वो जो 1.5 से लेकर 2 kg तक का फूल खरीद लेते हैं। हालांकि 500 ग्राम से लेकर और 1 kg तक का जो फूल होता है वो आसानी से बिकने में आ जाते हैं, लेकिन 1 kg से ऊपर का जो फूल होता है 1.5 से लेकर 2 kg तक के जो फूल होते हैं वो बिकते नहीं है, इसलिए उनको रिटेल में बेचने वाले कस्टमर उसको नहीं खरीदते हैं। तो पछेती खेती अगर आप करते हैं तो आपका उत्पादन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा निकलता है, और अगेती खेती अगर आप कर रहे हैं तो एक फूल का जो वजन है वो आप मान के चलिए कि 500 ग्राम तक का आपको फूल का वजन मिल जाएगा। कुछ फूलों का वजन आपको 700-800 ग्राम तक भी मिल जाता है, लेकिन एवरेज अगर हम निकालें अच्छी तरह से सही समय पर सही वैरायटियों का अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं अगेती खेती करते समय, और अगर सही फर्टिगेशन समय समय पर कर रहे हैं, समय समय पर स्प्रे ले रहे हैं, बेसल डोज और गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपने डाली है, तो एवरेज आपका जो है 500 ग्राम फूल का आराम से निकल जाता है। इस हिसाब से अगर आपने 16,000 प्लांट 1 एकड़ में लगाए हैं तो टोटल जो आपका उत्पादन 1 एकड़ से निकलेगा वो निकलेगा 80 क्विंटल। और वहीं पर अगर आप फूलगोभी की पछेती खेती करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो 150 से लेकर 160 क्विंटल तक चला जाता है, लेकिन अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो आपका उत्पादन जो है मैक्सिमम जो है 80 क्विंटल तक निकल जाता है। तो 80 क्विंटल आपका 1 एकड़ में फूलगोभी से उत्पादन निकल गया। अब बात करेंगे अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हो तो आपको मार्केट रेट क्या मिलने वाले हैं। तो भाई अगर आप जून और जुलाई में नर्सरी डाल के प्लांटेशन कर रहे हैं तो फूलगोभी के जो मंडी भाव हैं उस समय पे, जिस समय पे आपकी फूलगोभी तैयार होगी उस समय पे आपको जो है एवरेज मंडी भाव 30 रुपए kg तक के मिल ही जाते हैं। हालांकि कुछ मंडियों में कुछ साल ऐसे भी आ जाते हैं जिस समय पे फूलगोभी के मंडी भाव काफ़ी डाउन आ जाते हैं, और कुछ साल ऐसे भी आ जाते हैं जिस समय पे फूलगोभी के मंडी भाव जहाँ पे मैं 30 रुपए बता रहा हूँ वहाँ पर 50-60 रुपए kg तक भी चले जाते हैं। तो ये तो एक अपवाद होगा कि फूलगोभी के मंडी भाव डाउन आ रहे हैं 30 रुपए से या ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एवरेज मंडी भाव लेके चलें अगर अगेती फूलगोभी के तो 30 रुपए तक आपको आराम से इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो दोस्तों 1 एकड़ में आपकी फूलगोभी का टोटल उत्पादन 80 क्विंटल अगर हम पकड़ के चलें और 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के अगर मंडी भाव लेकर चलें तो 1 एकड़ से आपकी फूलगोभी का टोटल उत्पादन हो गया 2,40,000 रुपए का। मैंने आपको मोटा मोटा एकदम जो है उत्पादन बता दिया और मोटे मोटे आपको जो है इसके मंडी भाव बता दिए, जो एवरेज उत्पादन और एवरेज जो मंडी भाव होते हैं फूलगोभी के वो मैंने आपको बता दिया है। तो 1 एकड़ में 2,40,000 रुपए का आपका जो है टोटल उत्पादन निकल के आ जाता है। टोटल हमारा फूलगोभी की खेती से 1 एकड़ में जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 30,000 रुपए का। 2,40,000 रुपए से जो आप 30,000 रुपए खर्चा निकाल देते हैं तो भी आपके 2,10,000 रुपए जो है आराम से बच जाते हैं। 10,000 रुपए आपकी बेगार अगर आप निकाल भी देते हैं उसके बाद भी 2,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है फूलगोभी की फसल अगेती अगर आप लगाते हैं तो आपको देकर जा सकती है। दोस्तों जून और जुलाई माह में नर्सरी डाल के अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती करते हैं तो 2,00,000 रुपए का शुद्ध
शुद्ध मुनाफा फूलगोभी की एक एकड़ खेती से आपको मिल सकता है। बाकी आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी या अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।